ज्योतिष आचार्य जी, दिसंबर का महीना धार्मिक और ज्योतिष के अनुसार बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इस महीने में कई जो ग्रह है, बड़े ग्रह, वो दूसरे राशि में गोचर करने वाले हैं। तो बुध जो ग्रह हैं वो किस राशि में कब गोचर करने जा रहे हैं या वक्री होने जा रहे हैं, और इससे किन राशि वालों को फायदा पहुंचने वाला है? जय बाबा वैद्यनाथ। बुध अपनी राशि जो धनु है, जहाँ विराजमान है वहीं विराजमान रहेगा, लेकिन मार्गी से बकरी हो रहे हैं। बुध महाराज जो हैं, अपनी राशि जो धनु है, 14 दिसंबर बृहस्पतिवार मार्ग शीर्ष पक्ष द्वितीया 10:25 से बकरी हो रहे हैं। तो चार राशि वाले के ऊपर बुध की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाए। तो इस महीने में सूर्य और बुध साथ साथ चल रहे हैं, अभी धनु राशि पर विराजमान रहेंगे और धनु राशि पर ही बकरी हो रहे हैं। तो जब बुध बुधादित्य योग बन रहा है, तो बुधादित्य योग के बीच में जब बकरी हो रहे हैं, तो इससे चार राशि वालों के भाग्य बुध के कृपा से खुलेंगे। चार राशि वाले के ऊपर बुध की विशेष कृपा होगी, जो पहले से कृपा नहीं थी वह जब बकरी हो जाएंगे तो कृपा बरसने लगेगा। तो सबसे पहली राशि जो है वह मेष है। मेष राशि के ऊपर बुध और सूर्य दोनों की कृपा होने वाली है और उसी राशि पर बृहस्पति विराजमान है, तो कृपा के पात्र होंगे पहली राशि मेष। दूसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि के ऊपर भी इनका कृपा बना रहेगा। तीसरी राशि है धनु, जिस राशि पर विराजमान है। धनु राशि वाले का शारीरिक यदि कष्ट है, तो शारीरिक कष्ट समाप्त होने की संभावना है। यदि किसी प्रकार के व्याधि रोग से ग्रसित हैं, तो समझ जाइए कि बुध की कृपा होगी। और जमीन जायदाद के विषय में बुध जो हैं वो जमीन जायदाद देने वाले ग्रह हैं, तो इन जो हैं धनु राशि वाले पर उनकी कृपा होगी, तो जमीन जायदाद भी खरीदने का अवसर मिलेगा, वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा। और चौथी राशि है मीन। मीन राशि के ऊपर उनका दृष्टि रहेगा, तो जब मीन राशि के ऊपर पांचवा दृष्टि पड़ रहा है, तो पांचवें दृष्टि में सबसे पहले क्या होगा कि बुद्धि निर्मल, बुद्धि फ्रेश, और दिमाग से जो सोचा हुआ काम करेंगे वो अत्यंत ढंग से करेंगे। अत्यंत ढंग से करने के बाद उनका सारा काम अच्छा से व्यतीत होगा।